झारखंड कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान ने राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए मांग की है कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाए और इस घटना में सम्मिलित लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि इस दलित परिवार को उचित न्याय मिल सके। हेलो, देखिए निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद घटना है। एक दलित परिवार का नौजवान लड़का था, उसकी हत्या हो जाती है विगत एक सप्ताह पहले। और जब हमने कल हमारे एक प्रदेश कमेटी से अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस पार्टी से एक डिलीगेशन बना के हमारे लोग हमारे साथ गए और जब हम बितका बावरी जी के घर गए तो उनके बूढ़ी माता थी, उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी और बच्चे लोग थे। बड़ा डरे और सहमे और दुखद घटनाएँ थी। बहुत उस इलाका में इतनी ये फैला हुआ था, दहशत का माहौल था, गमगीन माहौल था। और जब उनके पीड़ित परिवार से मिले, पीड़ित परिवार से पता चला कि घर का एकदम पास, मात्र घर से 50 से 100 फीट की दूरी में दो पेट्रोल पंप है, दोनों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वहां पर जा करके ताबड़तोड़ गोली चला करके उसकी हत्या कर दी जाती।